सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक चल रही है और सुबह के 6 बजे मौसम भी अच्छा हो रहा है। डेली बारिश थी लेकिन आज सुबह सुबह धूप निकल गई है और मज़ा आ रहा है काफ़ी। सुबह सुबह का अलग ही मज़ा है, आनंद है। गधेरे में पानी भी ठीक ठाक चल रहा है और लगाता है। आपको पास से जाके दिखाऊंगा। थोड़ा सा डर इस बात का है कि जोंक लगने का डर है। ये देखिए ये है गधेरा, छोटा गधेरा एक। देखो ऊपर से आ रहा है पानी, यहाँ से आपको सुनाई देगा, आप पानी की आवाज़ सुनेगा। नीचे को जा रहा है तो चलिए फिर से। और काफ़ी अच्छी धूप भी निकल गई है। एक्चुअली कल रेस्ट करना था पूरा, लगभग 14-16 घंटे ट्रैवल किया बस टू बस, तो थकान तो लग गई थी बट नींद अच्छी आ गई थी, तो खुद सुबह नींद भी अच्छे से खुल गई थी। पूरा घर वहाँ से दिखाता, ये रहा घर और इधर थोड़ा दूर आके यहाँ पर सारे चीड़ के ही चीड़ के पेड़ हैं। सुबह सुबह जो चिड़ियों की आवाज़ है, चहचहाट है, बहुत प्यारी लगती है। बस सुनते रहने का मन करता है, चुपचाप अपना चलते रहे, वॉक करते रहे। और जितने भी चिड़ियाँ हैं या जो भी नेचुरल साउंड है वो सुनिए आप, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। बस सुनते रहने का मन करता है, ऐसे ही चलते रहने का मन करता है। अभी तो ठीक है मौसम, सुबह सुबह धूप है लेकिन कोई भरोसा नहीं है यहाँ का। देखिए सुबह बादल फिर से आने लग गए सुबह सुबह। ये देखिए इधर तो खाली है और ये बादल आने लग रहे हैं, तो थोड़ी देर का मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। अभी तो धूप है, जोंक भी बराबर चेक करती रहनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये सीज़न बरसात का सीज़न है, तो यहाँ पे जोंक बिल्कुल चांसेस हैं, फुल चांसेस हैं जोंक लगने के, लेकिन अभी तो नहीं लगी है। और ये पूरा एरिया बहुत ही घना है, जंगल है। देखिए पूरा घना जंगल है, और छोटी बड़ी नदियां आपको दिखाई देंगी यहाँ, जिन्हें गधेरा बोलते हैं यहाँ पहाड़ों में। जो नदी का छोटा रूप होता है उनको गधेरा बोला जाता है। और तो इस तरीके से जो नेचुरल बने होते हैं, नेचुरल बन जाते हैं इस तरीके। देखिए जो मैं आपको नीचे गधेरा दिखा रहा था कि वही है, नीचे जाके मिल जाता है ये। और
पानी चल रहा है प्रॉपर। और देखिए अंदर बहुत ही घना है, अंदर अभी नहीं जा सकते। और इधर को भालू सूअर वगैरह बहुत ज़्यादा, उनका एरिया इधर को ही है, ऊपर साइड को रहते हैं, अपना एरिया उन्होंने इधर को ही बनाया है। वो देखिए ऊपर रोड से घर दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, अभी हमारे उसके ऊपर वाला घर हमारा दिख नहीं रहा है, बस अभी नीचे वाला ग्रीन वाला दिख रहा है। और यह है सुंदर से पहाड़, और बहुत ही जो मैं घना जंगल बता रहा था, ये पूरा घना जंगल है। देखिए ये पूरा, और अभी मैं वॉक करते करते ऊपर जो हमारी पहाड़ पानी मार्केट है उधर की तरफ को जा रहा हूँ। देखते हैं अगर सुबह सुबह जलेबी बनी होगी तो जलेबी का आनंद लेंगे, क्योंकि पहाड़ पानी की जलेबी बहुत फेमस है, और हर तरफ पकौड़ी और जलेबी, यहाँ के लोग फैन हैं पकौड़ी और जलेबी के। सुबह सुबह जो जलेबी बनती है वो तो अल्टीमेट, और वैसे भी नॉर्मल भी दिन में भी आप खाएं तो उसका स्वाद बहुत ही गजब का रहता है। और इस समय मैं वॉक करते करते लगभग 2 से 3 किलोमीटर वॉक करके फिर पहाड़ पानी की तरफ को जा रहा हूँ। और ये देखिए पूरा घना जंगल, कुछ आपको यहाँ पर और कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखिए आपको ये देखिए, रात को यहाँ पर खोदा हुआ है यहाँ पर, और ये सारा जो काम है ये सुअर के काम है, जंगली सुअरों के काम है, उन्होंने जहाँ तहाँ खोद दिया है। देखिए बरसात में, एक बरसात में क्या होता है कि कीड़े मकोड़े ये भी ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो सुअरों को क्या चाहिए, वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाते रहते हैं, तो इसलिए वो हर जगह ढूंढ लेते हैं। नीचे भी पूरा उन्होंने वहाँ भी खोदा हुआ है, जंगल के बीच में है। पहाड़ों में सुअर हो गए, बंदर हो गए, जो ज़्यादातर जो नुकसान करते हैं, जैसे दिन भर बंदरों का आतंक रहता है, अगर जहाँ फसल वगैरह अच्छी रहती है जहाँ, वहाँ दिन भर बंदर परेशान करते हैं लोगों को, और रात को सुअरों का बोलबाला रहता है। अब तो दिन भर भी आदमी जागे रहे, रात भर भी जागे रहे, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को अपनी कृषि के लिए, अपनी खेती में, क्योंकि यहाँ जरिया खेती का ही है अधिकतर। तो और जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा मार्केट पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो उन लोगों को हम जैसे महंगी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। अब जैसे इसमें बरसात का सीज़न है, टमाटर हो गए, मतलब टमाटर देखिए कितने महंगे हैं, और सब्जियां देखिए कितनी महंगी हैं। लेकिन जब आप पहाड़ में होते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की कमी नहीं होती है, यहाँ आप अपने ही प्रोडक्ट उगाए रहते हैं, अपनी सब्जियां, और यहाँ की जो जंगलों में भी होती हैं सब्जियां, जिसे लिंगुड़ा बोलते हैं, बेहतरीन होती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी, आप डेली भी खाओ उसे तो फिर भी आपका मन नहीं भरेगा उससे, ऐसा फिर से
डेली की डेली वो भी खाते रहेंगे तो वो फिर भी खाने का मन करता है फिर से। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ ना कुछ बोए रहते हैं तो अपने खाने के लिए यहाँ प्रॉपर रहता है, तो इसलिए यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मार्केट पे, खासकर सब्जियों के लिए मार्केट पे डिपेंड कम होते हैं, और उन सब चीज़ की सिक्योरिटी के लिए दिन में भी जागना पड़ता है, रात को भी जागना पड़ता है। दिन भर बंदरों का डर, रात को सुअरों का डर। और जब मक्का बोई जाती है हमारे पहाड़ में, काकुनी बोलते हैं और मुंगरी बोलते हैं, तो जो मक्का होती है उसके लिए भालू का डर रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, दिन को भी रात को भी जागना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम, तब जाके यहाँ पहाड़ों में खेती वगैरह की जा सकती है। और एरिया बहुत बड़े बड़े रहते हैं तो इतना इजी नहीं रहता है, बंदरों को तो आपने देखा ही होगा, इधर से भगाओ उधर से आ जाते हैं। तो यहाँ हर तरफ खुला रहता है तो इजी नहीं रहता है भगाना, और वो तो एक दो भी नहीं होते बंदर, पूरी टीम के साथ आते हैं, एक टीम नहीं दो दो तीन तीन टीम एक साथ आती हैं बंदरों की, और भागते भी नहीं हैं आजकल के बंदर तो, पहले तो फिर भी डरते थे, अब बंदर कम भागते हैं। और अभी मैं आ गया हूँ पहाड़पानी मार्केट से थोड़ा सा आगे, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक सुंदर सा नज़ारा, वो देखिए यहाँ से ये है, ये मेन रोड है और यहाँ से मेरा घर देखिए, ये दोनों, एक ये है एक ये है, एक ऊपर है, इससे ऊपर भी वो पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, देखिए ये देखिए ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये है पहाड़ पानी, और यहाँ से नीचे आते रहे ये है गबौरी जहाँ हम रहते हैं, और ये देखिए ये है नदगल जो इस इधर कोने में है, ये है दीनी और ये है महतुलिया गांव, ये सारा एरिया देखिए, ये है मेरा पहाड़। और अभी जलेबी बन रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आगे आपको मेन रोड से अपना घर दिखाता हूँ और आसपास के जो गांव हैं उनको बताता हूँ, और अब जलेबी बन गई थी लगभग लगभग, और अब जलेबी गरम गरम जलेबी खाएंगे मस्त सुबह। नॉर्मली हम जब ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे हम जितने लड़के लोग ज़्यादा लोग होते हैं तो हम सुबह सुबह 5 बजे खेलने निकल जाते हैं, और आज हम कम ही हैं, 2-3 लोग हैं तो इसलिए खेलना पॉसिबल नहीं था। जब भी ऐसा मौका होता है हम डेली ऐसे ही खेलने आते हैं, और जलेबी से जैसे ब्रेक लेते हैं तो जलेबी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा जहाँ पर अभी मैंने आपको जहाँ से व्यू दिखाया उससे थोड़ा सा और आगे जाके 1 किलोमीटर आगे जाके पोखरा खेत है, ग्रीन पार्क पोखरा खेत, वही हमारा होम ग्राउंड है, तो वहाँ हम मॉर्निंग में खेलने जाते हैं, और तब हम जब भी ब्रेक लेते हैं तो समोसा और जलेबी खाते हैं। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी हो रही है, अब गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा, अब सुबह सुबह पहाड़ों में जलेबी और पकौड़े का तो अलग ही मज़ा है।
मज़ा आ गया। और अभी मैं पहाड़पानी से आ गया हूँ घर की तरफ को फिर से वॉक पे। और पहाड़पानी से 1 किलो जलेबी पैक कर रख लिया हूँ और न्यूज़पेपर, सुबह सुबह दोनों न्यूज़पेपर अमर उजाला और दैनिक जागरण। काफ़ी आनंद आया जलेबी में, सुबह सुबह की गर्म जलेबी लेके गया हूँ पैक करा के घर के लिए। और जलेबी मैंने वहीं टेस्ट कर ली थी गर्म बनते ही। और ऐसा नहीं है कि ये खाली केवल घना एक जंगल है, सारे जानवर आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे शाम शाम के टाइम में और दिन में कम दिखते हैं और शाम को आप देख सकते हैं। शाम को या जैसे सुबह में मॉर्निंग में आया उससे थोड़ा सा पहले दिख जाते हैं नॉर्मली आपको यहाँ। बाघ हो गया, सुअर हो गया, बंदर, भालू सारे हैं इधर, और कभी कभी हिरन भी दिखाई देने लगते हैं। और भी जानवर हैं यहाँ पे, जैसे वन मुर्गियाँ हैं, वन मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा दिखती हैं। और साउल बोलते हैं, साउल फसलों को, साउल भी नुकसान करता है रात में, वो भी आता है, वो भी बहुत नुकसान कर जाता है और कांटे फेंकता है। साउल की एक खासियत रहती है वो अटैक, अगर जैसे साउल पर अटैक करोगे आप तो आप पे उसमें बहुत सारे कांटे कांटे होते हैं, तो वो कांटे फेंकता है आपकी तरफ को, जैसे वो आगे की तरफ को दौड़ेगा और कांटों को पीछे की तरफ को फेंकता जाएगा, जिससे कि पीछे वाला ना उसको पकड़ सकता है और ना उससे लड़ सकता है, उसका हथियार ही वही है। बड़े बड़े जानवरों को जैसे बाघ वगैरह भी है तो उनसे लड़ने के लिए भी वो इसी तरीके से, जैसे बाघ इसलिए क्योंकि उसकी पीठ पर बहुत ही सारे कांटे कांटे होते हैं, साउल बोलते हैं हमारे पहाड़ में, तो वो इस तरीके से अपना बचाव करते हैं। इसलिए बहुत बार, और बहुत बार बाघ भी उसको नहीं मार पाता, मतलब बाघ को भी घायल कर देता है, इतने सारे कांटे चुभ जाते हैं उसके, बाघ के भी, जैसे मुंह से अटैक करता है बाघ जैसे पंजों से मुंह से, तो बाघ के भी कहीं ना कहीं वो कांटे चुभते हैं। आज धूप अच्छी खासी है, हर तरफ पेड़ ही पेड़, जंगल जंगल, हरा भरा है इधर। देखिए कितना शानदार मौसम है आज। वैसे 3 दिन का अलर्ट बताया था, कल सैटरडे था, आज संडे और कल मंडे, 3 दिन का अलर्ट, बट न कल बारिश हुई न आज। आज तो बल्कि धूप भी अच्छी खासी आ गई है सुबह सुबह, बट वही है कि बादल तो बन ही रहे हैं ऊपर। देखिए धीरे धीरे जब ये इकट्ठे होते जाएंगे तो मौसम का पता भी नहीं चलेगा अचानक कब खराब हुआ, पहाड़ों की यही खासियत है। देखिए मौसम कैसा हो गया अभी अभी, पूरे काले काले बादल पूरे। देखिए सुबह इतनी तगड़ी धूप थी, इन समय पूरे आकाश में बादल ही बादल। देखिए कभी भी मौसम खराब हो सकता है, बादल पूरे छा गए। और शाम का खाना बनाने लग रहे हैं हम लोग, ये चाय बन रही है दिनेश भाई और हमारे चंदू दादी के लिए, और हम लोगों ने तो पहले पी ली थी, इन्होंने आज अभी बहुत मेहनत की है, मंदिर सफाई करके आए हैं अभी, कल हरेला है तो इसलिए मंदिर वगैरह आज सफाई वगैरह करके आए हैं, वहाँ लीप के आए हैं मिट्टी से बढ़िया से। और अभी बन रही है सब्जी, भिंडी की सब्जी। मैं क्या करता हूँ कि गैस में तैयार कर लेता हूँ सब्जी को, सब्जी और इसके बाद चूल्हे में रख देता हूँ, अभी चूल्हा तैयार, चूल्हे में आग जल रही है, मुझे लग रहा है धनिया थोड़ा सा कम हो गया है इसमें, अब इतनी बार सब्जी बना दी कि आइडिया आ जाता है मसाला कौन सा कम हो रहा है कौन सा बाकी, इसलिए धनिया थोड़ा सा कम हो रहा है।
मिर्च काफ़ी है। मिर्च मैंने पीसी, लाल मिर्च नहीं डाल रखी है। लाल मिर्च भी हमारे घर की ही पीसी हुई है मैंने। उसमें लाल मिर्च पहले सुखाई, फिर उसके बाद हमने मिक्सी में पीस दी थी मैंने, तो वही यूज करते हैं। बट अभी हमने हरी मिर्च यूज की है। प्याज का यूज नहीं किया है क्योंकि कल हम कल हमारा फास्ट रहेगा और एक रात पहले से हम लोग प्याज बंद कर देते हैं। कल फास्ट रहता है क्या? जी कल हमारा फास्ट रहेगा। ये तो बता दो कल है क्या? कल है हरेला, हमारा लोक पर्व है, हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, कुमाऊँ क्षेत्र का। और वैसे कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों क्षेत्र में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। इस समय पर जो है सबसे जो प्रसिद्ध वाला रहता है वो इस समय ये जुलाई में मनाया जाता है। 16 और 17 लगभग लगभग यही डेट रहती है, कभी 16 को कभी 17 कभी 16। तो कल हरेला है, हरियाली का पवित्र त्यौहार। उसमें 5-7 प्रकार के अनाजों को बोया जाता है 10 दिन और 11 दिन पहले बोया जाता है। कल मंदिर में, सभी मंदिरों में चढ़ेगा वो, घर के मंदिरों में, मैया के मंदिर में, भगवती मंदिर में, और एड़ी देवता के मंदिर में, सहम जी देवता के मंदिर में, हमारे जो भी कुल देवता हैं यहाँ पर और देवी देवता हैं उन सभी को कल चढ़ेगा वो। तो ये चीज़ है, सब्जी हमारी, अभी हमारी सब्जी हो गई है तैयार। उसमें छोटी वाली कड़वो लगा दो, ये ढक्का। अब हम करते हैं चूल्हा तैयार। बरसात के मौसम में यही प्रॉब्लम होती है, सूखी लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए चूल्हा जलाना थोड़ा सा ट्रिकी, बड़ा सा मशक्कत होती है। ये बड़े धैर्य और संयम वालों का काम है। हाँ, बहुत धैर्य और संयम का काम है। अब हम छूल का यूज करेंगे, जैसे छिलका भी छिलका बोलते हैं, और कहीं से वैदिक की रोने की आवाज आई। सब तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, वहाँ सब्जी बन रही है, यहाँ चूल्हा जल रहा है, बाहर वेदी के अलग काम चल रहे हैं। ये देखिए, ये छूल हमारे कुमाऊँ में छूल बोलते हैं और गढ़वाल में छिलका बोलते हैं इसे। छिलका बोलते हैं? जी बहुत। ये चीड़ के पेड़ का होता है इसलिए आग जल्दी पकड़ता है, इसलिए चीड़ के पेड़ से थोड़ा सा, जब गर्मियों में गर्मी होती है तो चीड़ के पेड़ों से, जब जंगल में आग जो ज़्यादा लगती है वो चीड़ के ही जंगल में ज़्यादा जो आग लगती है वहाँ आप देखेंगे। बिल्कुल सही बात बताओ। और वैसे उसकी जरूरत होती है ना मिट्टी तेल की, और यहाँ देखो लकड़ी में तो क्या पावर है। पहाड़ तो यार, ये सब्जी जल रही है। कहाँ जा रहे भैया? आज हम लोग मंदिर में जाएंगे और वहाँ भजन कीर्तन करेंगे। आप सभी को इनविटेशन है, बस थोड़ी ही 1 घंटे के अंतराल में हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे। सब्जी तैयार हो गई है, रोटी आटा भी गूंथ लिया है, और भजन कीर्तन आज शाम से ही स्टार्ट हो जाएंगे, और कल तक वो लगातार जारी रहेंगे। अब वो कल तक आपको दिखे ना दिखे लेकिन जारी रहेंगे। ये अच्छा था। और हमारा चूल्हा देखिए जल गया, हमारा चूल्हा जल चुका है। वाह, ये देखिए। इस वाली गैस की क्या है, आंच थोड़ी सी ज्यादा है, और इसमें वो कम जलता है ना तवा, इसमें देखिए थोड़ा सा जलने लग रहा है। तो हम इस वाली गैस में थोड़ा कम है आंच, तो हम इसमें रख देंगे, इसको इसमें रख देते हैं। जो अभी तो चूल्हे में बना रहे थे आप, बस चूल्हा अब जलता रहेगा। चूल्हे में बहुत तेज आंच है, सब्जी पकेगी नहीं, सब्जी जल जाएगी। इसलिए हम इसी में रहेंगे, उसमें हम पानी बॉइल में पानी पीने, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में क्या होता है कि पानी को थोड़ा सा सेफ्टी से रखना पड़ता है, पीने का वाला पानी, तो इसलिए हम बॉइल भी कर देते हैं। जिसको ठंडा पीना है वो ठंडा पी लें, जिसको बॉइल कर पीना है वो बॉइल पी लें। तो इस तरीके से हम इसमें पानी रखा हुआ है, इसको हम बॉइल कर देते हैं बढ़िया से। जब चूल्हा जलने लग गया और किचन का काम हो गया फिनिश, अब हम क्या करेंगे, हाथ पैर धो के बढ़िया से हाथ में धो के अब मंदिर में चलेंगे, मंदिर में भजन संध्या करेंगे।
भजन कीर्तन। मिलते हैं हम आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मंदिर में। मंदिर में। और ये अभी हम लोग मंदिर में आ गए हैं संध्या आरती के लिए। ये देखिए हरेला और इसकी गुड़ाई हो गई है पापा ने की। और ये हमारा सुंदर सा मंदिर। कल है हरेला और हरेले से एक दिन पहले रात को जो हरेला बोया जाता है उसकी गुड़ाई की जाती है। और इस तरीके से इसमें फूल वगैरह और इस तरीके से प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, टीका वगैरह लगाया जाता है। इस तरीके से इसमें रक्षा बांधी जाती है देखिए, और भेंट वगैरह। ये जो हरेला होता है 5 या 7 अनाजों का बनाया जाता है और 10 दिन 11 दिन पहले ये बोया जाता है, कहीं 10 दिन कहीं 11 दिन।